उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पुस्तक सृजन से साक्षात्कार करके विमोचन। नरेंद्र सिंह नेगी को की पद्म पुरस्कार देने की वकालत। सीएम नरेंद्र सिंह की तारीफ। 23 अगस्त से उत्तराखंड का मॉनसून सत्र होगा शुरू। विधानसभा अध्यक्ष ने की बैठक। कहा कोरोना गाइडलाइंस का करना होगा पालन। लालकुआ में 18 अगस्त को केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट का दौरा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत के लिए बनाया प्लान। बैठक कर कार्यक्रम की रूपरेखा की तैयार। और बीजेपी ने शुरू किया चुनावी अभियान। 15 अगस्त से 252 मंडलों में निकलेगी संकल्प यात्रा। महापुरुषों और स्वतंत्रता सेनानियों को भी किया जाएगा याद। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आपका उत्तराखंड लाइव में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास देहरादून में प्रसिद्ध लोक गायक और गीतकार नरेंद्र सिंह नेगी के जीवन दर्शन और व्यक्तित्व पर आधारित पुस्तक सृजन से साक्षात्कार का विमोचन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी, मोहन उप्रेती, गिरीश तिवारी, गिरदा के साथ प्रदेश के अन्य प्रमुख लोक संस्कृति के रचनाकारों, लोक गायकों के जीवन परिचय और रचनाओं का अभिलेखीकरण कर पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। ये कार्य सूचना विभाग यानी संस्कृति विभाग द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मौके पर यह भी घोषणा की कि नरेंद्र सिंह नेगी को पद्म पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को अपनी संस्तुति प्रेषित की जाएगी। लालकुआ में आगामी 18 अगस्त को केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट के दौरे को लेकर बीजेपी पूरी गर्मजोशी के स्वागत करने को तैयार है। इसी को लेकर लालकुआ विधानसभा क्षेत्र में बैठक कर कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जा रही है। यहां लालकुआ विधानसभा क्षेत्र में होने वाली रैली कार्यक्रम के संयोजक वरिष्ठ बीजेपी नेता और पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पवन चौहान ने जानकारी देते हुए कहा कि आगामी 18 तारीख को केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट का प्रदेश दौरा है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जिस तरह से मोदी सरकार ने नैनीताल सांसद अजय भट्ट जी पर विश्वास जताते हुए उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, उससे उत्तराखंड वासियों में खुशी की लहर है। पूरी ऊर्जा भारतीय पार्टी सरकार बनाने जा रही है। चुनाव लड़ने तक, चुनाव के रिजल्ट आने तक, परिणाम आने तक कोई भी व्यक्ति विधायक बन सकता है, कोई मुख्यमंत्री या सपने ले सकता है। तो कांग्रेस सपने ले रही है, लेने दीजिए। ये भारतीय पार्टी की सरकार अच्छे बहुमत से आ रही है, क्योंकि वो गरीब जनता से सरोकार भारतीय पार्टी रखती है। कांग्रेस में जो दलाली करते हैं लोग, जो दलने टाइप के लोग होते हैं, उस तरह के लोग भारतीय पार्टी में प्रथम नहीं है, इसलिए सीधे सीधे जनता को उसका लाभ मिलता है। उत्तराखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र आगामी 23 से 27 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। इस सत्र की तैयारी और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने अधिकारियों के साथ बैठक की। विधानसभा में आयोजित इस बैठक में प्रदेश के मुख्य सचिव डॉक्टर एस एस संधु के अलावा शासन और प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। इस बैठक में तय किया गया कि कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन कराया जाएगा। पूरे विधानसभा को दिन में 2 बार सैनिटाइजेशन का उसमें कार्य किया जाएगा और एंट्री लेने वाले विधायकों की थर्मल स्कैनिंग होगी। विधायकों के साथ कोई अन्य आगंतुक विधानसभा में प्रवेश नहीं कर पाएगा और इसके अलावा मीडिया को भी विधानसभा सत्र की कवरेज करने की अनुमति नहीं होगी। प्रारंभ हो रहा है और उसको लेके आज सुरक्षा संबंधी और तमाम अधिकारियों के साथ बैठना हुआ और उसमें पहले की बात ही हमने लगभग सारी बिंदुओं पर विस्तार से हमने चर्चा की है और स्पष्ट तौर पर चूंकि कोरोना प्रोटोकॉल है, हम उसका इस बात फिर पालन कर रहे हैं।
उसको मद्देनजर रखते हुए हम किसी भी दीर्घा में और कोई भी इस प्रकार का प्रवेश पत्र जारी नहीं करेंगे। साथ में जो हमारा ये 5 दिवसीय जो दौरान अभी हमें विधानसभा सत्र का मिला है, प्रारंभ हो रहा है, उसको लेके आज सुरक्षा संबंधी और तमाम अधिकारियों के साथ बैठना हुआ और उसमें पहले की बात ही हमने लगभग सारी बिंदुओं पर विस्तार से हमने तो वही विधानसभा सत्र को लेकर तैयारियां भी तेज हो गई है। सत्र की सुरक्षा के मद्देनजर विधानसभा अध्यक्ष ने बैठक की। इस दौरान विधानसभा में मुख्य सचिव गढ़वाल, कमिश्नर देहरादून, डीएम के साथ सभी पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा का 23 अगस्त से विधानसभा सत्र प्रस्तावित है। पुलिस कर्मियों के ग्रेड पे बढ़ाने को लेकर सरकार द्वारा गठित कमेटी के रवैये के विरोध में आज युवा कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा पूर्व में लिखे गए पत्रों की प्रतियां जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। उस मौके पर युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संदीप चमोली ने असली हॉल पर तमाम कार्यकर्ताओं के साथ उन पत्रों को जलाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस कर्मियों के ग्रेड पे को तत्काल बढ़ाने की मांग की और सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार द्वारा गठित कमेटी जल्द फैसला नहीं लेगी तो युवा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल के आवास के बाहर आमरण अनशन पर बैठेंगे और तब तक नहीं उठेंगे जब तक पुलिस कर्मियों की मांगे पूरी नहीं हो जाती। कुछ प्रत्या नहीं, मैं आपको ज्ञात करना चाहूँ, ये वो पत्र हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विधायक रहते हुए उनको तब पुलिस की मांग एकदम जायज लगती थी, उन्होंने पत्र लिखा तत्कालीन मुख्यमंत्री जी को, तीरथ सिंह रावत जी को, कि पुलिस का वेतन मान सुचारू किया जाए और तत्काल प्रभाव से उसको बढ़ा दिया जाए जिससे कि उत्तराखंड में कानूनी व्यवस्था सही सुचारू रूप से चलती रहे। लेकिन अब जब वो स्वयं मुख्यमंत्री बने तो उनके द्वारा कमेटी के जो ढकोसला, जो छलावा उत्तराखंड पुलिस के हमारे भाइयों को, साथियों के साथ किया जा रहा है, इसका उत्तराखंड यूथ कांग्रेस पुरजोर विरोध करती है। बीजेपी ने आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए तैयारियां भी तेज कर दी है। पार्टी ने अनुभवी नेताओं को जहां अलग अलग जिलों का प्रभार देकर क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क और कार्यक्रम तय कर दी है तो वहीं जेपी नड्डा का कार्यक्रम भी तय हो चुका है। अब बीजेपी का युवा मोर्चा भी चुनावी समर में कूदने को तैयार है। आगामी 15 अगस्त से प्रदेश के 252 मंडलों में युवा मोर्चा संकल्प यात्रा निकालने जा रही है। कुल मिलाकर बीजेपी अभी से चुनावी मोड में आ गई है। इस अभियान में सामाजिक संस्थाओं, एनसीसी आदि संस्थाओं को जोड़ा जाएगा। इस कार्यक्रम का आगाज राष्ट्रीय गान के साथ किया जाएगा और समापन में आजादी से जुड़े महापुरुषों और स्वतंत्रता सेनानियों को याद भी किया जाएगा। इस दौरान स्वतंत्रता सेनानी परिवारों को सम्मानित करने का कार्यक्रम भी निर्धारित है। तो उत्तराखंड में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव है और उसी को लेकर बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है। 15 अगस्त से 252 मंडलों में संकल्प यात्रा निकाली जाएगी। इस दौरान महापुरुषों और स्वतंत्रता सेनानी को भी याद किया जाएगा और राष्ट्र एकता का, राष्ट्र निर्माण का जो संदेश है उसको भी मैं बहुत बड़ा उसका रोल मानती हूँ। तो आप सबको इस मंच के माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। मुझे लगता है कार्यक्रम का वृत्त तो आदरणीय कुलदीप जी ने और हरजीत भाई ने बहुत अच्छे से बताया। मैं बस इसमें ये चीज़ जोड़ना चाहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा एक राष्ट्रवादी संगठन के रूप में हमें जाना जाता है। जैसा कि अरिजीत जी ने बताया कि भारतीय जनता युवा मोर्चा 15 अगस्त के जो हमारी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ है, इस उपलक्ष्य पर पूरे देश के अंदर युवा महोत्सव बनाने जा रहा है और भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय तेजस्वी सूर्य जी ने इसकी विस्तृत जानकारी एक प्रेस वार्ता के माध्यम से पूरे देश के युवाओं को दी है। जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री नैनीताल के रामगढ़ विकास खंड में प्रदेश के परिवहन और समाज कल्याण
और जनपद प्रभारी मंत्री यशपाल आर्य और क्षेत्रीय विधायक संजीव आर्य ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय धूरा में 600.98 लाख की लागत की योजना का लोकार्पण और 220.17 लाख की योजना का शिलान्यास किया। आर्य द्वारा 600.98 लाख की लागत से छयोडी धूरा सुयाल खेत मोटर मार्ग का पुनः निर्माण और सुधारीकरण का लोकार्पण किया गया। इस कार्यक्रम में मौजूद ग्रामीण जनता को संबोधित करते हुए आर्य ने कहा कि कोरोना काल के चलते जो विकास कार्य प्रभावित हुए थे, अब उन विकास कार्य में गति आने लगी है। तो विधायक संजीव ने लोकार्पण और शिलान्यास किया है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय धूरा में ये लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। आपको बता दें कि 600.98 लाख की लागत की योजनाओं का लोकार्पण किया गया है, तो वही 220.17 लाख रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया गया है। अगली खबर नैनीताल से है, जहां मोबाइल ई कोर्ट का शुभारंभ होगा। न्याय जनता की ओर से अवधारणा साकार होगी। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल धनंजय चतुर्वेदी ने हाईकोर्ट परिसर में पत्रकारों से रूबरू होते हुए बात बताई। उन्होंने बताया कि मोबाइल ई कोर्ट का शुभारंभ 15 अगस्त को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर एस चौहान द्वारा किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि मोबाइल ई कोर्ट प्रथम चरण में उत्तराखंड के 5 जनपदों पिथौरागढ़, चंपावत, उत्तरकाशी, टिहरी और चमोली जिलों में शुरू होगी। आगामी 15 अगस्त को मुख्य न्यायाधीश द्वारा ई कोर्ट मोबाइल वैन को हाईकोर्ट परिसर से रवाना किया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि जैसे जैसे और वाहन उपलब्ध होंगे, वैसे वैसे उत्तराखंड के सभी जनपदों में मोबाइल ई कोर्ट प्रारंभ किया जाएगा और अदालतों के मुकदमों के त्वरित निस्तारण में अहम कदम साबित होगा। तो मोबाइल ई कोर्ट का शुभारंभ होगा, फायदा तो बहुत अधिक होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो हमारी जो महिला साक्षी है वाली जो बहुत वृद्ध है, 60-70-75 वर्षीय हैं, कुछ बीमारी से ग्रसित हैं, वो नहीं आ पा रही हैं। अब कहीं कहीं एक 6-6 महीना 1-1 साल लग जाता है उनको न्यायालय तक पहुंचने में। तो हम उसके पास में मोबाइल वैन भेज करके उसके घर पे जा करके और उसका साक्ष्य अंकित कर लेंगे, जिससे तो त्वरित न्याय की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। रुड़की में करीब 2 दर्जन पार्षदों ने मेयर के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। दरअसल बीते दिन 15 अगस्त को लेकर निगम में पार्षद और जिम्मेदार नागरिकों की एक मीटिंग मेयर द्वारा बुलाई गई थी, जिसमें सुझाव को लेकर मेयर और पार्षदों के बीच तनातनी भी हो गई। आरोप है कि इसी दौरान मेयर ने फोन करके पार्षदों को पिटवाने के इरादे से कुछ लोगों को वहां बुला लिया। इसी बात से नाराज पार्षदों ने आज रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली पुलिस को मेयर के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई करने की मांग की है। तो पार्षदों ने मेयर के खिलाफ तहरीर दी है। मेयर और पार्षदों के बीच तनातनी हुई थी, मेयर ने पार्षदों को पिटवाने के लिए कुछ लोगों को बुला लिया था। तो वही इसी बात से नाराज पार्षदों ने रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली पुलिस को मेयर के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई करने की मांग की है। दी गई है। कल एक नगर निगम में हमारी 15 अगस्त को लेकर बैठक थी, जिसमें सभी पार्षद थे और कुछ शहर के सर्वमान्य गणमान्य लोग मौजूद थे 15 अगस्त की तैयारी के उपलक्ष में ही कुछ। तो उसमें जो है हमारे पार्षद नितिन त्यागी हैं, उन्होंने कुछ सुझाव दिया, उसमें कुछ मेयर साहब से तनातनी। तो मेयर साहब ने क्या करा कि लड़के बुलवा लिए पार्षदों को पिटवाने के लिए। तो इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं तहरीर देने के लिए इंस्पेक्टर साहब को कोतवाली में, कि इसकी निष्पक्ष जाँच हो और जो दोषी करार हो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। डोईवाला के जॉली ग्रांट का देहरादून हवाई अड्डा अब नए रूप में बनकर तैयार है और बहुत जल्द तमाम खूबियों को समेटने वाली ये आधुनिक टर्मिनल बिल्डिंग एयरपोर्ट अथॉरिटी के हैंडओवर होने जा रही है। देहरादून हवाई अड्डे की नई बिल्डिंग जहां 1800 यात्रियों की क्षमता वाली है, तो वही इसकी खूबसूरती भी देश विदेश के लोगों को बेहद पसंद आएगी। एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग को तैयार कर रही है कंस्ट्रक्शन कंपनी अहलूवालिया लिमिटेड के प्रोजेक्ट इंचार्ज राजीव ने बताया कि इस बिल्डिंग की खासियत है कि देहरादून हवाई अड्डे पर आने वाले लोगों को पता चलेगा कि वाकई देवभूमि का एयरपोर्ट पूरे देश के एयरपोर्ट में सबसे ज्यादा खूबसूरत है।
देखिए वी एज ए आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स इंडिया लिमिटेड, हमको एक यहाँ पे थीम दी गई थी और यहाँ के स्पेसिफिकेशन दिए थे एयरपोर्ट्स के बनाने के लिए, और आप देख रहे होंगे कि जो बिल्डिंग बन के तैयार हुई है वो समस्त क्वालिटी के मानक और सेफ्टी के मानक को रखते हुए बहुत ही अच्छी तरीके से बिल्डिंग निकली हुई है, और वी कमिटेड एज अ कंपनी टू डिलीवर सच काइंड ऑफ प्रोजेक्ट और अ क्वालिटी प्रोडक्ट टू द क्लाइंट एंड कस्टमर। और बेसिकली इस बिल्डिंग का आप ये कह सकते हैं इट्स अ इंटेलिजेंस बिल्डिंग, जो जितने भी आज के जो एयरपोर्ट्स हैं उसमें से वन ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट आप इसको कह सकते हैं। रुड़की में नकली दवाइयों का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर गंग नहर कोतवाली क्षेत्र के मालवे चौक के पास एक कोरियर सर्विस सेंटर पर आज ड्रग कंट्रोल विभाग की टीम ने छापेमारी की और भारी मात्रा में नकली दवाइयां भी बरामद की। ये नकली दवाइयां पास की एक फैक्ट्री में बनाई जा रही थी और कोरियर के जरिए देश के अलग अलग शहरों में भेजी जा रही थी। पकड़ी गई नकली दवाइयों की कीमत लाखों में बताई जा रही है। वहीं ड्रग कंट्रोल विभाग की टीम ने कोरियर सर्विस पर नकली दवाइयों को भेजने वाले माफिया को बुलाने की कोशिश की, लेकिन दवाई माफिया ने अपना फोन बंद कर दिया है। फिलहाल ड्रग कंट्रोल विभाग की टीम नकली दवाइयों को सील करने और माफियों की तलाश में जुट गई है। तो रुड़की में नकली दवाइयों का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। ड्रग कंट्रोल विभाग की टीम ने छापा मारा और 12 लाख की नकली दवाइयां इस दौरान टीम ने पकड़ी है। किसी व्यक्ति द्वारा जो है छोड़ी गई कुरियर द्वारा कहीं पहुंचाने के लिए, तो वो संदिग्ध में लग रही है, तो मुझे मौके पर आकर केस की जांच करने के लिए द्वारा आग्रह किया गया था। मैं मौके पर आया हूँ, मौके पर आया हूँ तो मैंने कुरियर मालिक से भी बात की, फिर हमने छोटियों को खोल के जब देखा तो उसमें दवाइयाँ थी और कुछ प्रिंटेड कार्टन भी है और दवाई के डब्बे हैं। देर रात की भारी बारिश के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग टंगड़ी के पास मलबा आने से आज सुबह ठप हो गया। इस दौरान दोनों तरफ वाहनों की लंबी लाइनें लग गई। सड़क बंद होने की सूचना तहसील प्रशासन को स्थानीय लोगों ने दी। सूचना के बाद एनएच पर मशीनें भेजी गई और सुबह तक मार्ग को खोल दिया गया। इससे पहले परिवहन निगम की रोडवेज बस या मलबे में फंस गई थी, लेकिन अब सिचुएशन सामान्य है और हाईवे पर आवाजाही भी शुरू हो गई है। भारी बारिश से चमोली जिले में पीपलकोटी क्षेत्र के ग्राम पंचायत में भारी नुकसान हुआ है। लुदाऊ गांव में बारिश से पेयजल लाइन पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। लुदाऊ गदेरे में बादल फटने से 200 मीटर मोटर मार्ग पूरी तरह बह गया है, जिससे ग्राम पंचायत के दो गांव की आवाजाही पूरी तरह से बाधित हो गई है। वहीं ग्रामीण और स्कूली छात्र छात्राएं जान जोखिम में डालकर आने जाने को मजबूर है। स्कूली बच्चे भी जान जोखिम में डालकर स्कूल पहुंच रहे हैं। स्कूली छात्र छात्राओं ने बताया कि लुंडाऊ गदेरे में भारी पानी से पार करना बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या करें, स्कूल तो जाना ही है। ऐसे में हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर गदेरे को पार कर बेमरू स्कूल पहुंचे हैं। इस साल कोरोना के चलते सूक्ष्म रूप से मनाई जा रही दो दिवसीय नर नारायण जयंती श्री बद्रीनाथ मंदिर में मुख्य पुजारी ईश्वरी प्रसाद रावल ने भगवान नर नारायण उत्सव मूर्ति का अभिषेक और पूजन किया। इसके बाद भगवान नर नारायण की उत्सव डोली माता मूर्ति मंदिर पहुंची। इस मौके पर देवस्थानम बोर्ड बद्रीनाथ के प्रभारी अधिकारी सुनील तिवारी, माता मूर्ति मंदिर के पुजारी हनुमंत प्रसाद डिमरी मौजूद रहे। वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से थाना प्रभारी सत्येंद्र सिंह और पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। उत्सव डोली यात्रा में सम्मिलित देवस्थानम बोर्ड के अधिकारी कर्मचारी पुजारीगण मास्क पहनकर कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए यात्रा में शामिल हुए।
लाइब्रेरी स्थित एक होटल के सभागार में भू कानून पर आधारित गढ़वाली गीत का विमोचन किया गया। इस अवसर पर उत्तराखंड के लोक कलाकार भी मौजूद रहे। निर्माता निर्देशक प्रदीप भंडारी ने बताया कि भू कानून पर ये पहला गढ़वाली गीत बनाया गया है, जिसमें संगीत संजय कुमार और स्वर डॉक्टर सोनिया आनंद रावत के है। साथ ही उत्तराखंड के अलग अलग लोक कलाकारों ने इसमें अपना योगदान दिया है। उन्होंने आगे कहा कि भू कानून को लेकर लगातार आंदोलन किया जा रहा है और जन जागरूकता के साथ ही जन आंदोलन को गति प्रदान करेगा। उन्होंने आगे ये भी कहा कि आज उत्तराखंड में बाहरी लोगों द्वारा जमीनें खरीदी जा रही है। बहुत ही जबरदस्त गीत बना है। मैं सबसे पहले बधाई देना चाहूँगा भंडारी जी, प्रदीप भंडारी जी को, जिन्होंने उसको लिखा है। और ये गीत बहुत ही अच्छा, मतलब इसकी कंपोजिशन और इसका जो राइटिंग लिरिक्स है बहुत ही ज़बरदस्त है और ओवरऑल काम भी बहुत अच्छा है। तो मुझे लगता है गीत बड़ा अट्रैक्टिव बना है और लोग दुरुस्त पहुँचेगा। जी हाँ, भू कानून को लेकर के मैं प्रदीप भंडारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद पेशित करती हूँ। संजय कुमार जी ने अपना संगीत दिया है, पवार जी ने गाया है उसमें, धूम सिंह रावत जी ने गाया है और एक और दूसरे पवार जी, उन्होंने भी अपनी आवाज़ दी है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे इसमें आवाज़ देने का अवसर मिला और साथ ही में भू कानून की एक जो आवाज़ उठ रही है, सिर्फ एक मसूरी से ही नहीं पूरे प्रदेश की एक मांग है कि भू कानून लेके आओ। और हम भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि भू कानून आएगा तो निश्चित रूप से उत्तराखंड विकास करेगा भी, और जो लोगों की चाहत है कि अपना उत्तराखंड राज्य निर्माण की बात हुई थी 1994 में, तो उसमें एक प्रमुख मुद्दा था धारा 371 का, जिसमें कि यहाँ के जो जमीनें हैं भू कानून है उन जमीनों का दुरुपयोग कोई न कर सके और ये उत्तराखंड में जो है भू माफिया सक्रिय न हो। तो वो राज्य बनने के बाद कहीं लोग भूल गए और चुप हो गए। उसका दुष्परिणाम यह रहा कि आज उत्तराखंड की अधिकांश जमीनें जो है बाहर के माफियाओं ने कब्जा कर दिया है, प्रदेश से बाहर के लोगों ने। और वर्तमान जो सरकार है उन्होंने 2018 में एक छूट दे दी कि कोई भी आ जाइए और कितनी भूमि से ले लीजिए और जो गैर कृषि भूमि है उसको भी आप उपयोग कर लीजिए। बधाई प्रदीप भंडारी जी को देना चाहूंगा कि जो प्रदेश का एक बहुत बड़ा मुद्दा जो भू कानून को लेके है उसको उन्होंने गीत के फॉर्म में आज इन्होंने इसका लोकार्पण किया, तो इसके लिए सबसे पहले वो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और साथ ही अन्य जो साथी जो संजय कुमोला जी ने उसमें आवाज़ दी और जो अन्य साथी इसमें थे उन सबको भी, तमाम भाइयों को मैं इसमें बधाई देता हूँ। लाइब्रेरी स्थित एक होटल के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को समाजसेवी पंडित मनीष गोनियाल द्वारा सम्मानित किया गया। इस मौके पर छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार भी दिए गए। वहीं मौके पर दर्जनों छात्र छात्राएं, अभिभावक और शिक्षक शिक्षिकाएं भी मौजूद रही। अच्छा फील हो रहा है, काफ़ी इम्पोर्टेंस दी जा रही है, इतना इम्पोर्टेंट फील कराया जा रहा है सबको, तो अच्छा लग रहा है देख के सब कुछ। हाँ सर, मैं कॉलेज सोच रही हूँ, बीटेक करने की सोच रही हूँ, अभी सोचा नहीं है कौन से कॉलेज से करूँगी। आज मैंने यहाँ 60-70 बच्चों को सम्मानित करा, उसमें से जो फर्स्ट डिविजन आए 10वीं और 12वीं के, और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए मैंने पूरा प्रयास और जतन करा, क्योंकि बच्चों का भविष्य को देखते हुए उनका मनोबल बढ़ाने के लिए आज मैंने ये कार्यक्रम कराया। और आज उनके, मुझे भी गर्व हो रहा है कि आज मैं बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए उनके साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए खड़ा हूँ। पाषाण युद्ध बगवाल के लिए प्रसिद्ध चंपावत जिले की माँ बराही धाम देवी दुर्हा में विश्व प्रसिद्ध बगवाल मेला कोरोना संक्रमण के कारण इस बार कोरोना गाइडलाइंस के साथ ही सांकेतिक रूप से मनाया जाएगा। 4 खाम 7 तोक मंदिर समिति और जिला प्रशासन के बीच आयोजित बैठक में सर समिति से फैसला लिया गया है कि कोरोना के कारण इस बार मेला आयोजित नहीं किया जाएगा। पारंपरिक रूप से केवल सांकेतिक रूप से मनाया जाएगा, आम जनता के हिसाब से जो है बगवाल का त्यौहार नहीं मनाया जा रहा है, और इसमें हमारी मंदिर समिति के द्वारा भी ये सुझाव दिया गया है, और जो भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा वो एक समय सीमा के अंदर करेगा, पूजा भी इसी समय सीमा के अंतर्गत की जाएगी, और जिसमें जो भी लोग आएंगे उनको डबल वैक्सीनेशन हो चुका हो और वो एक दिन पहले अपना एंटीजन टेस्ट या 72 घंटे पहले अपना आरटीपीसीआर टेस्ट कराएंगे, निगेटिव रिपोर्ट आएगी तभी वो पार्टिसिपेट करते हैं।
क्यारकू गांव स्थित प्राचीन नाग देवता मंदिर में सादगी के साथ नाग पंचमी का पर्व मनाया गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया और इसी का पालन करते हुए श्रद्धालुओं ने नाग देवता की पूजा अर्चना की। यह नाग देवता मंदिर सिद्धपीठ है। यह लगभग 500 साल पुराना है, जो कि माना जाता है, जो कि लोग कहते हैं कि लगभग 500 साल से हमारा क्यारकुली गांव यहाँ बसा हुआ, क्यारकुली घंटा, उसी समय इस मंदिर की स्थापना हुई थी। वैसे तो कहते हैं कि उससे पहले से है, लेकिन जो मंदिर का स्वरूप दिया गया था वो 500 साल पहले दिया गया था। तो यहाँ पर दूध दही ही चढ़ता है, जो मुख्य प्रसाद जो नाग देवता का है वो दूध दही हम लोग यहाँ पर चढ़ाते हैं। और कई वर्षों से यहाँ पर नाग पंचमी का पर्व चलिए। फिलहाल के लिए उत्तराखंड लाइव में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।